पुलिस चौकी के बाहर दूल्हा दुल्हन ने दिया धरना। बारातियों के साथ मारपीट और दूल्हे की बेइज्जती से खफा थे खराती और पराती। शिवपुरी में बारातियों के साथ हुई मारपीट के बाद दूल्हा दुल्हन फेरे लेने से पहले कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। करीब ढाई घंटे बाद पुलिस ने सुनवाई की। इसके बाद दूल्हा दुल्हन के साथ धरने पर बैठे घराती और बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच दूल्हा दुल्हन के फेरे कराए गए। जानकारी के मुताबिक दतिया जिले के जिगना थाना क्षेत्र के उदगवा गांव से ब्रजेश जाटव के बारात शुक्रवार शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव आई हुई थी। रात में डीजे की धुन नाचते गाते दुल्हन के घर की ओर बढ़ रही थी। इसी दौरान बारात गांव के पास समाज के मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। इसी दौरान पाल समाज के लोगों और बारातियों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। साथ ही बाराती आए साथ चल रहे वाहनों में तोड़फोड़ कर दिख गई। डीजे और आतिशबाजी को लेकर हुआ विवाद। बारातियों का आरोप है कि पाल समाज के कुछ लोग बारात में आए और डीजे बंद करने को लेकर दबाव बनाने लगे। जब डीजे बंद नहीं किया, इससे पाल समाज के लोग भड़क गए थे। उन्होंने दूल्हे ब्रजेश जाटव के ऊपर धूल मिट्टी फेंक दी थी। इसके बाद पाल समाज के कई लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर आए और बारातियों के साथ मारपीट करने लगे। पाल समाज के लोगों ने दूल्हे को भी घोड़ी से उतार कर उसे बेइज्जत किया। पाल समाज के लोगों के द्वारा बारात में साथ चल रहे वाहनों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। जाटो समाज के लोगों ने दोबारा भी बारातियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पाल समाज के लोगों ने बारातियों पर आरोप लगाए कि बारात में आतिशबाजी चलाई जा रही थी, जिससे उनके मवेशियों में भगदड़ मच गई थी। जब बारातियों से आगे जाकर आतिशबाजी चलाने की बात कही गई, इसके बाद बारातियों ने मारपीट करना शुरू कर दिया था। फेरे लेने से पहले पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठे दूल्हा दुल्हन। जानकारी के मुताबिक झगड़े के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया था। इस बीच पाल समाज के लोगों ने रात में ही पिछोर थाना पहुंचकर ऑनलाइन दूल्हा पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था, जबकि FIR होने के बाद जानकारी दूल्हा दुल्हन पक्ष को सुबह लगी। इसके बाद बाराती और घराती दूल्हा दुल्हन को लेकर आज शनिवार की सुबह 6 बजे हिम्मतपुर पुलिस चौकी पर पहुंच गए, जहां दूल्हा ब्रजेश जाटव दुल्हन प्रियंका को चौकी के सामने कुर्सी पर बैठा कर धरना शुरू कर दिया। उनके द्वारा पाल समाज के लोगों पर तत्काल मामला दर्ज करने की मांग की गई। करीब 2 घंटे तक दूल्हा दुल्हन के साथ घराती बाराती धरने पर बैठे रहे। इनका है कहना। इस मामले में हिम्मतपुर चौकी प्रभारी विनोद यादव का कहना है कि जाटो समाज के लोग चौकी पर ऑनलाइन FIR की मांग पर अड़े हुए थे, जबकि ऑनलाइन FIR पिछोर थाने में दर्ज होती है। जब उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी, इसके बाद उन लोगों ने पिछोर थाने में पहुंचकर FIR दर्ज करा दी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेन जाटव है, मैं ग्राम उदगवा से आया हूँ, जिला जी। आप यहाँ पे अभी जाम लगाए हो हिम्मतपुर चौकी पे, क्या मामला है और रात में क्या हुआ था? मामला ये है कि हम बारात लेके ग्राम सजावनी जा रहे थे, तो हमारी बारात ने एंट्री की जी। तो जैसे कि पाल समाज का मोहल्ला है, वहाँ पर हमारे दूल्हे पर धूल फेंकी गई जी, और वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बिल्ला मिलना उससे भाई बारातियों को मारपीट की गई, और उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया, दूल्हे को घोड़ा पे उतारा गया और हमारा डीजे भी फोड़ दिया गया है। और फिर उसके बाद बारात पहुंची तो अभी बारात का टीका नहीं लगा, आप देख सकते हैं दुल्हन भी यहीं पर है। और उसके बाद हमारी जब बारात घर जा रही थी खाना खाने के बाद, तो बाल समाज के युवकों ने एकांतर में जाकर फिर लगातार यानी कि 10 और 12 लोगों को मारा, और हमारी 4-5 गाड़ी जो है कि बिल्कुल तोड़ दी, और 3-4 लोग हमारे घायल हुए हैं, वो कट्टे से फायर भी किया गया। और यहाँ पर हम लगातार 4 घंटे से चौकी पर खड़े हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, और लगातार जो यहाँ पे थाना प्रभारी जी हैं, अपशब्द बोला जा रहा है, यानी बोलने की कोई मर्यादा नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर मैं लठ बजाना भी जानता हूँ, मैं गोली चलाना जानता हूँ, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से बिल्कुल खुश है ही नहीं। हमारी मांग ये है कि SP साहब यहाँ पर आए और मुद्दे का पूरी जानकारी ले और तत्काल कार्रवाई करें, और FIR ST Act का उस पर मुद्दा रखें।